अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप तीन सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि वाह भाई दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे? आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ हासर आपका? दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहे, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताके पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप तीन सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि वाह भाई दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे? आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ हासर आपका? दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहे, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताके पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया।